दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले इंटो जर्मिना सस्पेंशन के बारे में, उसके क्या यूज है और क्या साइड इफेक्ट्स हैं और किस किस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इंटो जर्मिना मुख्य रूप से दस्त को रोकने के लिए एक प्रोबायोटिक सस्पेंशन है, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के रूप में माना जाता है, जो स्वस्थ आंत को ठीक करने में मदद करता है। और इंटो जर्मिना कैसे काम करता है, उसके क्या दुष्प्रयोग हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो इंटो जर्मिना दस्त को कम करने के लिए छोटे जीवाणुओं को कई एंटीबायोटिक बीमारी से लड़ने के लिए बैसिलस कलौजी 2 बिलियन स्पोर्ट्स होता है उसमें, जो रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है, जो आंत के जीवाणु को संतुलित व उदार करके आंतों के जीवाणु को वनस्पति रोगों से मानव शरीर से बाहर निकालते हैं। यह सनोपी इंडिया लिमिटेड द्वारा बेची जाती है और एक कैप्सूल फॉर्म में भी और सस्पेंशन फॉर्म में दोनों में अवेलेबल है। और जो इसका मुख्य रूप है दस्त को रोकने के लिए आंतों में संक्रमण और शरीर में जीवाणु असंतुलित एंटीबायोटिक दवाओं का दुष्प्रयोग, जिसे एंटीबायोटिक दवाएँ दी जाती हैं उसके दुष्प्रयोग रोकने के लिए इसके साथ में इसको दिया जाता है। और श्वसन तंत्र में संक्रमण और वायरस प्रतिदस्त प्रोबायोटिक एजेंट और रोगी धीरिक कारक अभिवेशी, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स के लिए इसका यूज किया जाता है, जो आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। और दस्त काफ़ी टाइम से आ रहा है, पानी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो बच्चों में इसको दे सकते हैं। और टेबलेट है जो एडल्ट के लिए आता है, वो आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। और कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि रोगी का अपना अपना मामला हो सकता है और दवाओं का दुष्प्रयोग भी हो सकता है। तो इससे बेटर ये रहेगा कि आप डॉक्टर और फार्मासिस्ट के सलाह के बगैर दवा ना लें। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन।